हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर हमारे सब्जेक्ट का अकाउंटेंसी का। अभी तक हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मुझे एक घर खरीदना है और उस घर की वैल्यू है 50 लाख रुपीज। मुझे एक घर परचेज करना है और इस घर की वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीज इस घर की वैल्यू है। इस घर को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे तो है लेकिन थोड़े कम है, सिर्फ 30 लाख रुपीज है। तो पहले तो ये बताइए, क्या मैं एक घर खरीद सकता हूं? क्या 50 लाख का घर खरीदना है लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपीज है, तो ये बताइए क्या मैं ये घर खरीद सकता हूं? हाँ खरीद सकते हैं, बैंक से लोन ले लेंगे। तो हम रिमेनिंग 20 लाख का बैंक से लोन लेके इस घर को क्या कर सकते हैं, इजिली परचेज कर सकते हैं। तो 20 लाख रुपीज का मैंने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया 20 लाख रुपीज का। अब मुझे ये बताइए कि अकाउंटिंग में ये जो मैंने घर खरीदा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, एसेट्स वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो मैंने घर खरीदा है इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एसेट्स, ओके। अब ये इस घर को खरीदने के लिए ये जो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी पॉकेट से किया है इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, इस 30 लाख के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, कैपिटल। तो जो मनी हम अपनी पॉकेट से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोल देंगे। अब रिमेनिंग 20 लाख मैंने कहां से अरेंज किया, बैंक से वापस देना है। तो हमारी जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें फ्यूचर में पे करनी है, हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, लाइबिलिटीज वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो मैंने बैंक से लोन लिया इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, लाइबिलिटीज वर्ड यूज करूंगा। तो 50 लाख का मैंने घर खरीदा, 30 लाख रुपीज मेरी पॉकेट में थे, 20 लाख रुपीज मैंने बैंक से लोन ले लिए, हो गए इक्वल 50 लाख। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। दैट मींस ऑलवेज आपकी एसेट्स का टोटल आपकी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के टोटल के इक्वल आता है। तो बिजनेस में आप कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी ट्रांजेक्शन करें, हमेशा ये दोनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी हर एक्टिविटी हर ट्रांजेक्शन के बाद। इसे हम बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब हर ट्रांजेक्शन के बाद, हर एक्टिविटी के बाद दोनों तरफ इक्वल। दैट मींस हमें हर ट्रांजेक्शन कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड करना है, दो जगह तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक आदमी होगा रिसीवर, एक होगा गिवर, एक होगा रिसीवर, एक होगा गिवर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हो गया, गिवर। आप पढ़ रहे हैं, आप कौन हो गए, रिसीवर हो गए। मार्केट में शॉपकीपर ने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया तो शॉपकीपर कौन हो गया, गिवर हो गया। कस्टमर कौन हो गया, रिसीवर हो गया। कस्टमर ने उसके बदले में शॉपकीपर को पैसे दिए तो कस्टमर कौन हो गया, यहां पर गिवर। और शॉपकीपर पैसे ले रहा है यानी वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। दैट मींस जब भी कोई एक्टिविटी होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, तो कम से कम दो पर्सन का होना तो जरूरी है, तभी कोई एक्टिविटी या कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। इसी को क्या बोला जाता है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। आइए तो हम लोग देखते हैं एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें इसके। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछता हूं, क्या आपने इसके पहले के वीडियो देखे मेरे, जिसमें मैंने एसेट्स और उनकी कैटेगरीज बताई हैं, लाइबिलिटीज और उनकी कैटेगरी बताई हैं? यदि नहीं देखे हैं या आपको एसेट्स और उनकी कैटेगरीज, लाइबिलिटीज और उनकी कैटेगरी के बारे में पता नहीं है तो प्लीज बंद कर दीजिए वीडियो, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के मेरे एसेट्स और उनकी कैटेगरीज, लाइबिलिटीज और उनकी कैटेगरीज के वीडियोज देखिए। जब आपको एसेट्स और उनकी कैटेगरीज लर्न हो जाए, यानी कौन सी हमारी करंट एसेट्स है, कौन सी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, कौन सी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, आपको लाइबिलिटीज और उसकी कैटेगरीज लर्न हो जाए,
कौन सी आपकी करंट लाइबिलिटीज है, कौन सी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है, उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो आई होप फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग पहले वाले वीडियो देख चुके हैं और आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता है। तो हम ये मानते हुए, ये एज्यूम करते हुए कंटिन्यू करते हैं और आप लोग खुद सेल्फ जजमेंट करिए कि हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता है या नहीं पता है। नहीं पता है तो पहले प्लीज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के वीडियो देखिए, एसेट्स लर्न कीजिए, लाइबिलिटीज लर्न कीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। सामने आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने एसेट्स में से कुछ वर्ड सेलेक्ट करके लिख दिए हैं यहां पर, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। लाइबिलिटी में से मैंने फिलहाल एक ही वर्ड सेलेक्ट करके एंटर किया है, क्रेडिटर, और साथ में हमने क्या वर्ड एंटर किया है, कैपिटल। अब कैश पे इफेक्ट कब पड़ेगा, जब भी हम कैश रिसीव करेंगे या कैश पे करेंगे, तो जिस भी एक्टिविटी में कैश इन्वॉल्व होगा किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश पर। तो कैश के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो कैश में ऐड कर दो, और बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो कैश में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, ध्यान रहेगा। सेकेंड वर्ड है हमारा स्टॉक। जब हम गुड्स परचेज करेंगे, जब हम गुड्स सेल करेंगे, क्या चीज, गुड्स, ध्यान रखना है। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे, जब हम गुड्स सेल करेंगे, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्टॉक पर। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम गुड्स सेल कर देंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टॉक पे इफेक्ट कब पड़ेगा, याद रहेगा आपको, जब गुड्स परचेज कर रहे हैं स्टॉक इंक्रीज करना है, जब गुड्स सेल कर रहे हैं तो स्टॉक को डिक्रीज करना है। नेक्स्ट वर्ड डेटर्स। डेटर्स कब यूज करते हैं, क्रेडिट सेल्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, क्रेडिट सेल के लिए। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिन पर्संस को, जिन कस्टमर्स को हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं और जिनसे हमें फ्यूचर में मनी लेनी है, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डेटर्स वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर की जगह और भी कोई वर्ड आ सकता है, टाइपराइटर आ सकता है, मशीन आ सकती है, बिल्डिंग आ सकती है, तो कोई भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स आ सकती है। फिलहाल क्वेश्चन में फर्नीचर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या एंटर कर दिया है, फर्नीचर। बाकी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यदि टाइपराइटर आता है तो आपको फर्नीचर की जगह टाइपराइटर लिखना है, मशीन आता है तो आपको फर्नीचर की जगह मशीन एंटर करना है। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कब यूज करना है हमें, जिनसे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं, उन सप्लायर्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिटर। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में, तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिटर वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट कैपिटल। जिस पैसे से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल पे इफेक्ट कब पड़ेगा, जब भी आपको इनकम होगी या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इनकम और प्रॉफिट को हमें कैपिटल में ऐड करना है और लॉस और एक्सपेंसेस को हमें कैपिटल में से माइनस करना है। और साथ ही साथ जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से मनी विड्रॉ करते हैं, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से मनी विड्रॉ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स। तो जब हम ड्रॉइंग्स करेंगे तब भी उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पर, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो तीन चीजें क्या क्या, फर्स्ट इनकम या प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करना है, सेकंड एक्सपेंसेस और लॉस कैपिटल में से माइनस करना है, और ड्रॉइंग्स यानी जब भी पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से मनी या गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल में से माइनस करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। हमने 5 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब मैंने घर से 5 लाख रुपए लिए और वो 5 लाख रुपए लाके कहां पे रख दिए, बिजनेस में, मतलब शॉप के अंदर रख दिए। तो अब मुझे बताइए कि शॉप में क्या इफेक्ट पड़ा, शॉप में कहां इफेक्ट पड़ेगा और कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट पड़ेंगे, कितने डिजिट के साथ। फर्स्ट कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 5 लाख रुपीज। जिस मनी से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं
चलिए तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद केश 5 लाख रुपीज. मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद केश 5 लाख रुपीज. तो अब मुझे बताइए कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पर पड़ने वाला है. हमारे सामने फिलहाल 6 अकाउंट्स हैं, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, क्रेडिटर एंड कैपिटल. इन 6 में से ही किन्हीं 2 अकाउंट्स पर इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा. क्या मतलब हुआ इसका, हमने 5 लाख रुपीज घर से लिए और 5 लाख रुपीज लाकर कहां रख दिए, बिजनेस में रख दिए. क्या मैंने 5 लाख रुपए लिए और 5 लाख रुपए लाके कहां पर रख दिए, बिजनेस में रख दिए. तो मेरे बिजनेस में कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो 5 लाख रुपीज हम कहां पर ऐड करेंगे, कैश में ऐड करेंगे. स्टॉक कब आता है, जब गुड्स परचेज या गुड्स सेल करेंगे. डेटर्स कब आते हैं, जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं. फर्नीचर, मशीन, टाइपराइटर हमारी एसेट्स हैं, जब इन्हें खरीदेंगे तब इन पे इफेक्ट पड़ेगा. क्रेडिटर जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, तब इफेक्ट पड़ता है. तो दैट मीन्स इनमें से किसी का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैपिटल. कैपिटल ही तो बोलते हैं अपन, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मनी इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख, कैश में ऐड कर दिया और कैपिटल में ऐड कर दिया. अब हम प्रिपेयर करेंगे इक्वेशन. कैश कितना है अभी हमारे पास, 5 लाख. क्या अभी हमारे पास स्टॉक है क्या, नहीं है, तो 0. क्या अभी हमारे पास डेटर्स है क्या, नहीं है, 0. क्या अभी हमारे पास फर्नीचर है क्या, नहीं है, 0. क्या अभी हमारे पास क्रेडिटर्स है क्या, नहीं है, 0. कैपिटल कितनी है अभी हमारे पास, 5 लाख. तो दैट मीन्स ट्रांजेक्शन नंबर 1 कैश में था तो इक्वेशन में भी कैश एंटर कर दिया. ट्रांजेक्शन 1 कैपिटल में था, कैपिटल में एंटर कर दिया 5 लाख. बाकी सब जगह क्या एंटर करना है आपको, 0 एंटर करना है. चलिए आइए ट्रांजेक्शन नंबर 2 करते हैं. परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000. क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000. इसका मतलब क्या, हम मार्केट गए और मार्केट जाके हमने अपने सप्लायर्स को 30,000 रुपीज कैश पे कर दिया और उनसे हम 30,000 की गुड्स लेकर आ गए. क्या मतलब हुआ इसका, कि हम मार्केट जाते हैं, अपने सप्लायर्स को 30,000 रुपीज पे करते हैं और उनसे 30,000 की क्या लेकर आ गए, गुड्स लेकर आ गए. तो अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहां पड़ेगा, हमने अपने सप्लायर्स को 30,000 पे किए हैं तो हमारे पास से 30,000 कैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. अब हम उनको पैसे देके क्या लाए, गुड्स लेकर आ गए. तो गुड्स मतलब कहां इफेक्ट पड़ने वाला है, स्टॉक पर पड़ने वाला है. परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा. बस डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर कैपिटल पर अभी कोई इफेक्ट नहीं. हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको इक्वेशन बनानी है, याद रखिएगा, ओके. लेकिन अब हम इक्वेशन की जगह क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन. तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन थी इसलिए सिर्फ इक्वेशन लिखा, अब हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, न्यू इक्वेशन. अब न्यू इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमेशा एक ही तरीका रहेगा, आपको प्रीवियस इक्वेशन में जो पॉइंट आपने करा है उस पॉइंट को या तो ऐड करना है या उस पॉइंट को लेस करना है. क्या, प्रीवियस इक्वेशन में जो पॉइंट आपने करा है उस पॉइंट को, उस ट्रांजेक्शन को या तो ऐड करना है या लेस करना है और उसके बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन में कैश कितना था, 5 लाख था. सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, 30 माइनस कर दो, तो 5 में से मैं 30 माइनस कर देता हूं, मेरे पास कैश कितना हो गया, 470. मेरे पास प्रीवियस इक्वेशन में स्टॉक कितना था, 30 था, सॉरी 0 था. और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, 30 ऐड कर दो, तो 0 में 30 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 30,000. मेरे पास प्रीवियस इक्वेशन में डेटर क्या है, 0. क्या मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखा है डेटर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. तो डेटर्स प्रीवियस इक्वेशन में जो है उसी को मैं कॉपी कर दूंगा वापस न्यू इक्वेशन में. मेरे पास प्रीवियस इक्वेशन में फर्नीचर क्या है, 0. क्या सेकेंड पॉइंट का फर्नीचर पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा. तो जो डिजिट प्रीवियस इक्वेशन में है उसी को हम न्यू इक्वेशन में कॉपी कर देंगे, 0. मेरे पास प्रीवियस इक्वेशन में क्रेडिटर्स कितने हैं, 0 है. क्या सेकेंड पॉइंट का क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट पड़ा है, नहीं पड़ा. तो हम क्रेडिटर्स भी कितना एंटर कर देंगे, 0. कैपिटल कितनी है मेरे पास प्रीवियस इक्वेशन में, 5 लाख. क्या सेकेंड पॉइंट में मैंने कैपिटल में कुछ एंटर करने के लिए लिखा है क्या, नहीं लिखा. तो मैं कैपिटल वापस कितनी एंटर कर दूंगा, 5 लाख एंटर कर दूंगा, ओके. तो सिर्फ आपको सेकेंड पॉइंट का इफेक्ट कैश में था तो कैश को चेंज करना है, स्टॉक में था स्टॉक को चेंज करना है. बाकी सब चीजें जो आपने प्रीवियस इक्वेशन में लिखी हुई थी उन्हीं को एज इट इज न्यू इक्वेशन में कॉपी करना है, कोई बात नहीं. यदि नहीं आ रहा है या एक आध पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो आ जाएगा वापस न्यू इक्वेशन में ना. आगे देखते हैं अभी अपन
थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000. अब मैं मार्केट गया अपने सप्लायर के पास, उनसे गुड्स तो ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए. अब जब पैसे नहीं दिए तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मैंने उनसे गुड्स तो ले ली तो मेरा स्टॉक तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, दैट मीन्स मैं मार्केट गया अपने सप्लायर से गुड्स ली तो मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया, लेकिन क्रेडिट में मतलब उधार लिए मैंने अभी, तो मैंने अभी उनको कोई पैसे नहीं दिए तो कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जिनसे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, क्रेडिटर. अब ये बताइए कि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई. क्या ये गुड्स खरीदी थी मैंने, उससे पहले मुझे किसी को पैसे देने थे क्या? नहीं थे. लेकिन जैसे ही मैं अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करके लाया क्रेडिट में, अब मुझे अपने सप्लायर्स को 20,000 रुपीज इन फ्यूचर पे करने हैं, और जो हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होती हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं. तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 20,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगी आपकी, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं. तो जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में उन्हें हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे. अब वापस न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे. क्या बताया था मैंने, न्यू इक्वेशन कैसे बनानी है. प्रीवियस इक्वेशन देखिए और जो ट्रांजेक्शन आपने अभी रिकॉर्ड किया है उस ट्रांजेक्शन को देखिए, और इन दोनों पॉइंट्स को देख करके आपको वापस न्यू इक्वेशन बनानी है. कैश प्रीवियस इक्वेशन में कितना है, 470. थर्ड पॉइंट में कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो मैं कैश एज इट इज लिख दूंगा 470. मेरे पास प्रीवियस इक्वेशन में स्टॉक कितना है, 30 है. थर्ड पॉइंट का सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा है, 20,000 ऐड करना है. 30 में 20 ऐड करेंगे 50,000. डेटर्स प्रीवियस इक्वेशन में जीरो, अभी भी जीरो. फर्नीचर प्रीवियस में जीरो, अभी भी जीरो. क्रेडिटर्स पहले जीरो थे, अब थर्ड पॉइंट में लिखा है 20 प्लस कर दो इसमें, तो जीरो प्लस 20,000. कैपिटल पहले 5 लाख थी, थर्ड पॉइंट का कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है तो वापस से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी. ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं. सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 10,000 फॉर 12,000. हमने 10,000 के गुड्स को कितने में सेल कर दिया, 12,000 रुपीज में सेल कर दिया. क्या करा हमने, 10,000 के गुड्स को 12,000 में सेल कर दिया. तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, अभी तक हमने जितने ट्रांजेक्शन करे थे उनको सिर्फ हम दो ही जगह एंटर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सेल्स का ट्रांजेक्शन आ जाए, रुक जाइए एक बार, पहले रफ में अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि सेल्स वाले ट्रांजेक्शन में हमारे तीन अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है. सेलिंग प्राइस का इफेक्ट अलग होगा, कॉस्ट प्राइस का इफेक्ट अलग होगा, और जो हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका इफेक्ट अलग होगा. क्वेश्चन के अंदर जनरली दो ही वैल्यूज गिवन होगी, थर्ड वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो इसलिए जब सेल्स का ट्रांजेक्शन आ जाए तो एक बार रुकिए, पहले रफ में एसपी सीपी और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके लिखिए, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो ट्रांजेक्शन किया उसमें हमारे पास एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी थी, 12,000 थी. हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन थी हमें, 10,000 गिवन थी. और हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो दैट मीन्स हमारे पास एसपी तो था, सीपी भी था, क्या चीज नहीं थी हमारे पास, प्रॉफिट नहीं थी. तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. तो सेलिंग प्राइस सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कस्टमर को गुड्स दी तो हमारे पास से स्टॉक कम हो गया, स्टॉक को रिड्यूस करते हैं कॉस्ट प्राइस के इक्वल. हमने कस्टमर को गुड्स देके उससे क्या ले लिए, पैसे ले लिए. पैसे लिए तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया, कितना, 12,000 रुपीज. और मैंने कस्टमर को 10,000 का प्रोडक्ट दिया और उससे 12,000 ले लिए, तो मैंने 2,000 ज्यादा लिया उससे, वो मेरा प्रॉफिट हो गया. और प्रॉफिट का इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी कैपिटल पे पड़ेगा. तो प्रॉफिट को हम कहां पर एंटर करेंगे, अपनी कैपिटल में एंटर करेंगे. तो जब भी सेल्स का ट्रांजेक्शन आएगा आप पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको एंटर करेंगे. अदरवाइज यदि हमने दो ही जगह ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो हमारी इक्वेशन मैच नहीं होगी. तो अब हमें क्या करना है, कैश में ऐड करना है 12,000, स्टॉक में से माइनस करना है 10,000, और प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 2,000. ओके चलिए आइए रिकॉर्ड करते हैं. पर इसको कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है हमें, ट्रांजेक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 12,000. तो हमने कस्टमर को
10,000 की गुड्स दी तो हमारा स्टॉक 10 कम होगा, 12,000 रुपीज लिए तो हमारा कैश 12 इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश में ऐड करेंगे 12,000, स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000, और 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ है आपको वो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब न्यू क्वेश्चन, कैश कितना है 470, प्रीवियस इक्वेशन में था, और फोर्थ पॉइंट में लिखा है 12 प्लस कर दो, तो 470 में 12 प्लस करेंगे 482। स्टॉक प्रीवियस इक्वेशन में कितना था 50,000, 10,000 माइनस करना है 50 माइनस 10 40,000। डेटर्स प्रीवियस इक्वेशन में क्या थे, जीरो, अभी भी जीरो, फर्नीचर जीरो रहेगा। क्रेडिटर प्रीवियस इक्वेशन में 20 थे, फोर्थ पॉइंट का क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है तो क्रेडिटर वापस से हम 20 एंटर कर देंगे। कैपिटल 5 लाख थी, फोर्थ पॉइंट में लिखा है कैपिटल में कितना ऐड करो 2000, 5 लाख में 2000 ऐड कर देंगे, 5,02,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5, बॉट फर्नीचर रुपीज 2000। अब हम बाजार गए, पैसे दिए और क्या खरीद के ला गए, फर्नीचर खरीद के भी आए हम, तो पैसे दिए तो हमारे पास से कैश कम हो गया 2000, और हम मार्केट से क्या खरीद के लाए, फर्नीचर, फर्नीचर में इंक्रीज कर दो 2000। न्यू क्वेश्चन बनाते हैं, वापस प्रीवियस इक्वेशन और फिफ्थ पॉइंट, बस प्रीवियस इक्वेशन और फिफ्थ पॉइंट, इसके पहले का कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस इक्वेशन में कैश कितना था 482, 2 माइनस करेंगे 480। प्रीवियस इक्वेशन में स्टॉक 40 है, वापस 40। प्रीवियस इक्वेशन में डेटर 0 है, वापस 0। प्रीवियस इक्वेशन में फर्नीचर 0 था, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है 2000 प्लस कर दो, तो 0 प्लस 2 2000। प्रीवियस इक्वेशन में क्रेडिटर्स 20 है, वापस 20। प्रीवियस इक्वेशन में कैपिटल 5,02,000 है, वापस 5,02,000। ओके, चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। क्रेडिटर जिनसे हमने गुड्स परचेज करी थी 20,000 की, हमने उनको 15,000 पे कर दिए, पे कर दिए तो कैश कम हो गया हमारा 15,000। किसको पे किए हमने, क्रेडिटर्स को पे किए हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। मैं 20,000 की गुड्स परचेज करके लाया था तो उस समय 20,000 देने थे, अब मैंने 20 में से 15 क्या कर दिए, पे कर दिए, तो इन फ्यूचर मुझे कितना पे करना है अपने क्रेडिटर्स, सिर्फ 5 ही तो पे करना है, तो 5 कैसे आएगा जब मैं 20 में से जितना मैंने पेमेंट कर दिया उतना माइनस कर दूंगा। तो क्रेडिटर्स को जब हम पे करते हैं तो कैश माइनस होता है और हमारे क्रेडिटर्स माइनस हो जाते हैं। अब वापस से न्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, कैश 480 माइनस 15, 465। स्टॉक सेम रहेगा, डेटर्स सेम रहेंगे, फर्नीचर सेम रहेगा, क्रेडिटर्स 20 माइनस 15 5,000, कैपिटल 5,02,000। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी 1,000। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, मतलब क्या दिया होगा, पैसे ही तो दिए होंगे ना। मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, मतलब क्या दिया, पैसे ही दिए होंगे, तो हमारे पास से कैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या सैलरी हमने बैलेंस शीट में एसेट में लर्न करी थी क्या, क्या सैलरी हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लर्न करी थी क्या, नहीं करी थी शायद। तो जो वर्ड हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी में नहीं आते हैं वो वर्ड या तो हमारी इनकम होंगे या एक्सपेंस होंगे, वो वर्ड या तो हमारी इनकम होंगे या एक्सपेंस होंगे। रिसीव्ड कर रहे हैं तो इनकम है, और पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, और इनकम और एक्सपेंसेस का इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पर। तो ये जो 1000 हमने सैलरी पे करी है ये हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहां पड़ता है, कैपिटल पर। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, तो अब न्यू क्वेश्चन ही लिखेंगे, अब लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, एफ ई यानी फाइनल इक्वेशन। 465 माइनस 1 464, स्टॉक 40, डेटर्स 0, फर्नीचर 2000 सेम रहेंगे, क्रेडिटर सेम रहेगा, कैपिटल में से 1 माइनस कर देंगे तो 5,01,000। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम लोग, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। एक बार वापस से देख लेते हैं, कब कौन से कॉलम पे इफेक्ट पड़ने वाला है, कैश कॉलम पे कब इफेक्ट पड़ेगा, जब हम कैश रिसीव्ड करेंगे, जब हम कैश पे करेंगे। तो जब भी बिजनेस के अंदर कैश इन होगा या कैश आउट होगा उसका इफेक्ट कैश कॉलम पे पड़ेगा। स्टॉक पे कब इफेक्ट पड़ेगा, जब गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल करते हैं। बस गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, गुड्स सेल कर रहे हैं तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो
गुड्स के लिए, जहां भी गुड्स वर्ड आ जाएगा, क्या वर्ड आ जाएगा? गुड्स। गुड्स आते ही उसका इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? स्टॉक पे पड़ने वाला है। डेटर्स पे इफेक्ट कब पड़ेगा? क्रेडिट सेल। कब? क्रेडिट सेल्स आएगी तो डेटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। मैंने फर्नीचर का कॉलम बनाया है, क्वेश्चन में फर्नीचर की जगह हो सकता है मशीन आ जाए, टाइपराइटर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, तो आपको इस कॉलम को उनसे रिप्लेस करना है। अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमारे पास फर्नीचर है, इसलिए मैंने फर्नीचर लिख दिया है। क्रेडिटर्स कब आएंगे? जब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा तब क्रेडिटर आएंगे। कैपिटल हमेशा रहेगी। स्टार्ट करें? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज कैश से। तो ट्रांजेक्शन नंबर वन हमारा कैश में एड करना है 50,000, और जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल में एड कर देंगे 50,000। अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन। अभी हमारे पास कैश कितना है? 50। स्टॉक कितना है? 0। डेटर्स कितने हैं? 0। फर्नीचर कितना है? 0। क्रेडिटर्स कितने हैं? 0। कैपिटल कितनी है? 50,000 है। चलिए ओके, ट्रांजेक्शन नंबर टू, बोथ फर्नीचर फॉर रुपीज 500। हमने फर्नीचर खरीदा कितने का? 500 का। दैट मीन्स बाजार गए, पैसे दिए और फर्नीचर लेके आ गए। पैसे दिए तो आपके पास से कैश क्या हो गया? कम हो गया 500। और मार्केट से आप क्या परचेस करके लाए? फर्नीचर। तो हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो गया 500 रुपीज। अब हम न्यू क्वेश्चन, क्या बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में? न्यू क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? प्रीवियस इक्वेशन और ये सेकंड पॉइंट, बस प्रीवियस इक्वेशन और सेकंड पॉइंट, इन दो चीजों को देख करके आपको न्यू क्वेश्चन बनानी है। 50,000 माइनस 500, 49500। 0 एज इट इज रहेगा, 0 एज इट इज रहेगा। फर्नीचर 0 प्लस 500, 500 हो गया। क्रेडिटर सेम रहेंगे, कैपिटल सेम रहेगी आपकी। तो ट्रांजेक्शन नंबर टू का इफेक्ट कैश पे पड़ने वाला था, कैश चेंज कर दिया मैंने, फर्नीचर पे पड़ा था, फर्नीचर चेंज कर दिया। बाकी सब आपको जो प्रीवियस इक्वेशन में लिखा है एज इट इज कॉपी करना है। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर थ्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4000। मार्केट गए, गुड्स लिए अपने सप्लायर से, लेकिन पैसे देके नहीं आए उनको, अभी उधार लेकर आए हैं, पैसे हम उनको बाद में देंगे। तो जब पैसे दिए ही तो कैश पे तो अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन गुड्स तो लेकर आ गए ना भैया अपन उनसे, तो हमारे पास स्टॉक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 4000 रुपीज का। अब अभी पैसे नहीं दिए, बाद में तो देने पड़ेंगे। जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये 4000 हमारी लाइबिलिटीज हो गई जो हमें फ्यूचर में पे करनी है अपने सप्लायर्स को। क्रेडिटर में ऐड कर देंगे 4000। अब हम प्रिपेयर करेंगे न्यू इक्वेशन। क्या बताया था कैसे बनानी है न्यू इक्वेशन? प्रीवियस इक्वेशन और थर्ड पॉइंट, इनके अलावा कहीं नजर नहीं डालनी आपको। प्रीवियस इक्वेशन में कैश कितना है? 49500, सेम कॉपी कर देंगे। प्रीवियस इक्वेशन में स्टॉक है 0, 4 ऐड करना है, 0 में 4 ऐड कर दिया हमने। प्रीवियस इक्वेशन में डेटर्स 0 है, वापस 0 कॉपी कर दिया। फर्नीचर भी एज इट इज कॉपी कर देते हैं। क्रेडिटर 0 है, 4 प्लस करने के लिए लिखा है, 4 प्लस कर देते हैं, 4000 हो जाएंगे। कैपिटल सेम रहेगी। तो थर्ड पॉइंट का इफेक्ट स्टॉक पे पड़ रहा था, मैंने स्टॉक चेंज कर दिया। क्रेडिटर पे पड़ा था, क्रेडिटर को चेंज कर दिया। बाकी सब जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन में डिजिट्स थी एज इट इज कॉपी करनी है आपको। ओके चलिए, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारा। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारा सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट प्राइस 500 फॉर 700। 500 की गुड्स को हमने कितने में सेल कर दिया? 700 में सेल कर दिया। मैंने भी बताया था आपको, जब भी सेल वाला ट्रांजेक्शन आ जाए तो रुक जाइए भैया, पहले पहले रफ में आ जाइए, वर्किंग नोट पर आ जाइए, और एक बार उस ट्रांजेक्शन की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड कर लीजिए। क्योंकि ट्रांजेक्शन में हमेशा आपके पास दो ही वैल्यू होंगी, थर्ड वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो जल्दबाजी मत करिए, पहले वर्किंग नोट बनाइए, ट्रांजेक्शन की एसपी, ट्रांजेक्शन की सीपी और ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड कीजिए, उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी इक्वेशन में। तो देखते हैं एक बार हम वापस से,
क्या गिवन था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 700 और ब्रैकेट में गिवन था कॉस्ट प्राइस 500। दैट मीन्स हमारी एसपी सेलिंग प्राइस कितनी है 700, सीपी कॉस्ट प्राइस 500 और हमें 200 रुपीज का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो। अब थर्ड अमाउंट गिवन नहीं था, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जब भी सेल्स वाला ट्रांजेक्शन आ जाए रुकिए, पहले वर्किंग नोट बनाइए, एसपी सीपी और प्रॉफिट फाइंड कीजिए, उसके बाद करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करें नहीं तो गलत हो सकता है। अब एंट्री करते हैं, तो जब हमने कस्टमर को गुड सेल करी तो हमारे पास से स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस के इक्वल कम करना है। अब आपने कस्टमर को गुड्स दी और उससे क्या लिए, पैसे ले लिए, तो आपके पास कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और हमें 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट या लॉस का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है, तो ये 200 हम कहां पर ऐड करेंगे, कैपिटल में। तो हमें ट्रांजेक्शन नंबर 4 को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैश में ऐड करना है 700 सेलिंग प्राइस को, 500 जो कॉस्ट प्राइस है उसे स्टॉक में से माइनस करना है और 200 का जो प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल में ऐड करना है। ओके, एंटर करें अपन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसकी एंट्री करना ट्रांजेक्शन नंबर 4 की। एंटर करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन, सेल प्राइस 700 कैश में ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस 500 स्टॉक में से माइनस कर देंगे और 200 का जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। वापस न्यू इक्वेशन, कैश प्रीवियस इक्वेशन में कितना है 49500, 700 प्लस करेंगे 50200, स्टॉक प्रीवियस इक्वेशन में कितना है 4000, 500 माइनस करेंगे 3500, डेटर्स प्रीवियस इक्वेशन में कितना है 0, फर्नीचर प्रीवियस इक्वेशन में कितना है 500, क्रेडिटर्स प्रीवियस इक्वेशन में कितना है 4000, कैपिटल प्रीवियस इक्वेशन में 50000, 200 प्लस करना है तो 50200। ट्रांजेक्शन नंबर 5, रिसीव्ड रेंट 200, रिसीव्ड रेंट 200। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को, क्या रेंट मैंने आपको बैलेंस शीट में पढ़ाया था क्या कि रेंट हमारी एसेट्स होती है, रेंट हमारी लायबिलिटी होती है, नहीं पढ़ाया ना, तो इसका मतलब रेंट एसेट्स नहीं है लायबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या हुई, इनकम या एक्सपेंसेस, इनकम या एक्सपेंसेस, पे करते हैं तो एक्सपेंस हो जाता है और रिसीव्ड करते हैं तो इनकम हो जाती है, और इनकम को हम कैश में ऐड करते हैं और कैपिटल में ऐड करते हैं, तो इनकम का इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपके कैपिटल पे पड़ता है, तो कैश में ऐड करेंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे। वापस न्यू क्वेश्चन पे आते हैं, कैश हमारे पास था पहले 50200, 200 का हमें रेंट मिल गया तो अब हमारे पास कैश हो गया 50400, स्टॉक हमारे पास पहले कितना था 3500, डेटर्स हमारे पास कितने थे 0, फर्नीचर हमारे पास कितना था 500, सब कुछ एज इट इज रहेगा, क्रेडिटर्स कितना था 4000, सिर्फ कैश चेंज करेंगे और कैपिटल चेंज करेंगे, कैपिटल थी हमारे पास पहले 50200, हमें 200 का रेंट मिला वो हमारी इनकम, तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई अब 50400। ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज गुड्स फॉर कैश 1000, हमने 1000 की गुड्स परचेज करी है कैश में, यानी कि मार्केट गए सप्लायर को पैसे दिए तो कैश कम हो गया और उससे गुड्स लेकर आ गए तो आपकी शॉप के अंदर गुड्स यानी स्टॉक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बाकी कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब प्रिपेयर करते हैं वापस न्यू क्वेश्चन, 50400 माइनस 1000 दैट मीन्स 49400, 35 प्लस 1 4500, बाकी सब एज इट इज रहेगा, कहीं चेंज नहीं करना अपने को। ट्रांजेक्शन नंबर 7, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700, मैंने 700 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स, क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। जब भी हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, गुड्स निकालते हैं या हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट बिजनेस से करते हैं, तो सबके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। और जब मैंने बिजनेस से अपने पैसे निकाल लिए तो अपने पैसे मतलब कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो जब भी हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करेंगे उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स का इफेक्ट पड़ता है आपके कैपिटल पर। तो हमारे पास से कैश कम हुआ बिजनेस के अंदर 700,
और ये 700 रुपीज हम निकाल के घर ले गए अपने लिए, तो हमारी कैपिटल कम हो गई 700 से। अब न्यू क्वेश्चन, कैश और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा बस, बाकी सब प्रीवियस इक्वेशन में जैसा लिखा है एज इट इज कॉपी कर दो। 49400 माइनस 700 48700, स्टॉक 4500, डेटर्स 0, फर्नीचर 500, क्रेडिटर्स 4000 एंड कैपिटल 700 माइनस करेंगे तो 49700। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 8, पेड टू क्रेडिटर 400, क्रेडिटर जिनसे हमने गुड्स परचेज करी थी उनको हमने 400 रुपीज पे कर दिए, तो हमारा कैश कम हो गया 400 और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज, मैंने को 4000 रुपीज देने से अपने क्रेडिटर्स को मैंने 400 दे दिए, तो इन फ्यूचर मैं अपने क्रेडिटर्स को कितना पे करूंगा, इन फ्यूचर मैं अपने क्रेडिटर्स को कितना पे करूंगा 3600। तो 3600 कैसे आया, जितना मैंने पे कर दिया उतनी मेरी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो गई। तो जब हम कैश पे करेंगे अपने क्रेडिटर्स को तो कैश में से माइनस करेंगे और हमने क्रेडिटर्स को पे किया है तो क्रेडिटर में से माइनस करेंगे। अब वापस न्यू क्वेश्चन, कैश 48700 माइनस 400 48300, स्टॉक 4500, डेटर्स 0, फर्नीचर 500, क्रेडिटर्स 3600, कैपिटल वही रहेगी 49700। चलिए लास्ट पॉइंट हमारा नाइन्थ, पेड फॉर सैलरीज 200, हमने 200 रुपीज सैलरी पे करी तो हमारे पास से कैश कम हुआ 200, सैलरी दी मतलब पैसे ही दी होंगे ना एम्प्लॉय को, तो आपके पास से कैश कम हो गया। सैलरी हमने एसेट्स लायबिलिटी में लर्न किया था क्या, नहीं किया, दैट मीन्स हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं अपनी कैपिटल में से। और ये लास्ट पॉइंट था, तो अब न्यू इक्वेशन की जगह क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, कैश कितना हो गया 48100, स्टॉक कितना हो गया 4500, डेटर्स 0, फर्नीचर 500, क्रेडिटर्स 3600 एंड कैपिटल 49500। तो आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे कंटिन्यू आपको इसी तरीके से वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन का सेकंड, जिसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय, गुड डे।